पूर्व से कांग्रेस पार्टी मौन धारण करके विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने मौन धारण कचहरी चौक अम्बेडकर पुतला के पास मौन धारण करके प्रदर्शन जाहिर कर रही थी। इसी दौरान भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी के कुछ सामाजिक तत्वों ने आकर यहाँ नारेबाजी करने लग गए, जिससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद फोर्स ने उनको दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया और रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड है उसको लेकर नगर कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो मांग है और जो ज्ञापन है उसे शासन स्तर पर अवगत कराया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। मैडम, अभी बसपा वाले लोग अभी हंगामा कर रहे थे, सर आप भी अभी जांच करवा रहे हैं उसकी। अभी मैं भी यहाँ मौके पर उपस्थित थी, कुछ हुज्जतबाजी हुई, उसकी जांच करते हैं। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैडम, जाँच कर लेते हैं, भीड़ में पता नहीं चलता है कौन व्यक्ति है क्या है, जाँच करते हैं उसके बाद कार्रवाई। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के धूपगढ़ी गांव की जो मासूम बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई और उस हत्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लीपापोती करने का प्रयास किया, इस मामले के विरोध में हम लोग पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर के आज यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन हम लोगों ने किया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिस प्रकार से विगत 15 दिनों तक पीड़िता के मामले को दबाने का प्रयास किया गया और दोषी जो बलात्कारी आरोपी हैं उन्हें बचाने के लिए ना जाने कितने सारे प्रपंच किए गए, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। आए दिन उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है और बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य को अच्छा कानून देने में नाकाम होने वाले अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं। बड़े दुख की बात है कि आज नगर कांग्रेस कमेटी का आयोजन हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित की गई थी। इस दौरान हमारे तथाकथित भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता, जब से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने में तब से लेकर के लगातार 2-3 घंटे तक लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और जैसे ही हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ वैसे ही उन लोगों के द्वारा हमारे कार्यक्रम स्थल में आकर के कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस नेताओं के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई, जिससे कांग्रेस के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी आक्रोशित हुए और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को वहाँ पर बिगड़ने से बचाया। For more information, log on to www.glibs.in.